নমস্কার, নিউজ ভ্যানগার্ডের এই মুহূর্তের আপডেটে আপনাদের স্বাগত। আমি অর্ণব রয়েছে আপনাদের সঙ্গে, যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব এই মুহূর্তে। আজাদী কা অমৃত মহোৎসবকে সামনে রেখে শুক্রবার রাজধানী আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে অনুষ্ঠিত হল দুই দিনের আলোচনা সভা সহ ভিশন 2047। ত্রিপুরা মূলত রাজ্য সরকার আগামী 25 বছরে কিভাবে 2047 সাল পর্যন্ত কাজ করে যাবে সেই দিশাটা নিয়ে কিন্তু এগিয়ে চলেছে রাজ্য সরকার। কাজ করবে সেই বিষয় সামনে রেখে দুদিনের এই আলোচনা সভা উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মুখ্য সচিব কুমার অলোক সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সহ অধিদপ্তর এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। আজকের এই আলোচনা সভায় স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের উন্নয়ন এই মুহূর্তে যেভাবে হচ্ছে, যে গতিতে হচ্ছে, সেই গতিটা অব্যাহত রাখা এবং তার পাশাপাশি আগামী দিনেও যাতে সেই গতিটাকে আরো ত্বরান্বিত করা যায় সেই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আগামী 25 বছর কিভাবে চলবে রাজ্য ভিশন 2047 এই বিষয়টাকে সামনে রেখে কিন্তু আজকের এই আলোচনা সভা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেরকম ভাবে উপস্থিত ছিলেন তার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মুখ্য সচিব কুমার অলোক সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সহ অধিদপ্তরের এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে কি বলছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্যরা শুনবো। चीज में 10 कागज भोगना पड़ता है, 10 जगह में सिग्नेचर भरो, 50 जगह में लिखो, उसको सिंप्लीफाई करना है। त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया, अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मैंने देखा, कुमार अलोक जी ने इनिशिएटिव लेके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में पहले थी, जो सीएलएफ है क्लस्टर सेल्फ फेडरेशन, तो वो नीचे इंडिविजुअल सेल्फ हेल्प ग्रुप को 12% इंटरेस्ट में 13 एमएम का जो फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको दे दी, तो उसको अभी 7% में कर दिया, इजी टू कर दिया, सीएलएफ के लोगों को बैठना पड़ेगा, विलेज के जो कमिटी बनी इनको डेली मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, तो जाके हमने जो निर्णय लिया वो सक्सेस हो। इसीलिए पहले ये काम आप लोगों ने अच्छा काम हाथ में लिया, अच्छा है, किंतु हर जगह से पहले बाधाएं आ रही, जितने भी फीडबैक आए, 50 जगह में सिग्नेचर, 5 जगह में करो, 50 पीसा हो तो मैं कहूंगा डेढ़ दिन में करो, ये पुरानी व्यवस्था है। उसको निकालना है हर डिपार्टमेंट, हर जगह से। हमारा काम क्या है बताइए, 25 साल का योजना हम किसके लिए बनाए, किसके लिए बनाए, इंसान के लिए बनाया ना, त्रिपुरा के लोगों के लिए बनाया ना, इंग्रेस के दिया हुआ व्यवस्था अभी भी विद्यमान है हमारे अंदर, वो भी लोग तैयार करके गए थे क्योंकि उनका सेनागरी चलने के लिए, हम तो स्वाधीन देश है, हमारे ही लोग हैं सब लोग, आपका ही आपके परिजन लोग यहां पे यहां में रहता है, भारत आपका ही है, अलग अलग प्रदेश का हो सकते हैं, इसलिए हर जगह पे सिंप्लीफाई करना है, कैसे उसको कम समय में लोगों के पास पहुंचा सकते हैं, रुकना नहीं है, हर चीज को लोगों को देना है, और हमने
त्रिपुरा के लोगों को 25 साल तक क्या क्या करेंगे, क्या क्या देंगे, उसका रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, मुझे ये सब अच्छा लगता है, किंतु इसमें कठिनाई भी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कठिनाई से डरना मत, डर से कुछ हासिल नहीं होता। डर से व्यक्ति कमजोर हो जाता है। तो ये काम करते समय उस जगह को सोचना चाहिए और करना चाहिए। सब सोचना नहीं, अभी हमारे पास सोच के काम कर देना, कर देना। उस दिन डेस्टिनेशन त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, पहली बार त्रिपुरा में इस तरीके के कार्यक्रम हुई है। जो लोग इन्वेस्टर आए हैं जो 70% त्रिपुरा के बाहर की है, और जो मुझे बताया गया है तो उसमें 3000 करोड़ के आसपास मूव सिग्नेचर हुई है। और सबसे बड़ी बात है जो मैं सोच रहा था, तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा चिंता था, जिसमें चिंता था उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। मोस्ट एक्सेस कौन सा सेक्टर पता है ना आप लोगों को? किन किन को पता है? हाथ उठाए तो कोई जानता है कौन सी सेक्टर में मोस्ट एक्सेस हुई है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की? एक थोड़ा सा उठाना है, थोड़ा उठाना क्या हुआ ये आप लोगों को जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए था। ये न्यूज पेपर में भी आई है, मैंने साबरू में जाके बोला भी है, आउट हियर येस्टरडे आई रिसीव्ड द लेटर फ्रॉम प्लानिंग डिपार्टमेंट रिक्वेस्टिंग ऑल द मिनिस्टर्स to remain present in this today's program. But after coming here, I could see that I am the only cabinet minister other than the honorable chief minister who is present. So I thank the honorable chief minister for giving this opportunity to share my views. And I am not also prepared to speak here. But the other day, the cabinet meeting, we had a discussion regarding this Vision 2047, and there was a comprehensive discussion, detailed discussion on it. And today where we are and where we want to achieve, what we want to achieve till 2047, that is the subject matter to be discussed in this today's seminar. So I take this opportunity to wish this program to be a grand success. And hopefully, all the officers who have come over here from various departments, I think they will take this seminar very, very seriously, as has been rightly pointed out by our Chief Secretary, to focus on the developmental aspects. What are the points to be needed? I think that will also be discussed in this today's program, today's seminar. With these few words, I will say and thank the Honorable Chief Minister for giving me this opportunity to share my views. Hopefully, in the coming days, if this program or the points which will be discussed in this today's seminar, if this can be followed in its true spirit, I think Tripura will come out with flying color as a resurgent Tripura in the days to come. Thank you very much. Stay well. Thank you. আপনারা শুনলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং
তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী কি বলেছেন এবং তার পাশাপাশি দুদিনের এই ওয়ার্কশপ যেটা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভিশন 2047 ভিশন 2047 এই বিষয়টাকে সামনে রেখে রাজ্যের আরো 25 বছরের কিভাবে রাজ্য সরকার এগিয়ে যাবে সেই বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই কিন্তু আজকের এই দুদিনের ওয়ার্কশপের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়েছে প্রজ্ঞা ভবনে এবং অবশ্যই রাজ্যের উন্নয়নকে আরো ত্বরান্বিত করতে সেটা অনেকটাই সাহায্য করবে এমনটাই কিন্তু জানা যাচ্ছে। সমাজ বিজ্ঞাপন বিরতির রয়েছে অন্যান্য সংবাদ, সঙ্গে থাকবেন।